तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भरत सिंह उगताल एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आज MBBG कॉलेज हल्द्वानी में NSS टीचर्स व वॉलंटियर्स तथा भौतिक विज्ञान परिषद के द्वारा MBBG कॉलेज हल्द्वानी में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कि हमने विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए, जैसे खुमानी, लीची, आड़ू, बेलपत्री इत्यादि वृक्ष हमने अपने MBBG कॉलेज हल्द्वानी के परिसर में लगाए, तथा हमारे बीच में उपस्थित रहे हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय, जिन्होंने MBBG कॉलेज हल्द्वानी में वृक्ष लगाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। तो प्राचार्य महोदय द्वारा लगाए गए वृक्ष को अब पानी दिया जा रहा है, ताकि यह पेड़ सूखे ना और हमें भविष्य में ये वृक्ष छाया व फल दे सके। हमारे NSS स्वयं से भी कोई भी किसी भी कार्य करने के लिए डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं। हर काम में NSS स्वयं से भी आपको सर्वप्रथम मिलेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार का हार्डवर्क यहाँ पर चल रहा है। संबल तथा खुरपी से मिट्टी खोदी जा रही है। तो आइए हमारे कॉलेज के प्रोफेसर सर की कुछ बातें सुनते हैं। हिमालय की सुरक्षा करने का दायित्व हम सभी को लेना है, और हिमालय की सुरक्षा कैसे होगी? जब ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, जब हम पेड़ लगाएंगे, जब हम अगर हिमालय सुरक्षित रहेगा तो हमको आने वाले समय में पानी मिलेगा, जल मिलेगा। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब संकल्प लेते हैं कि हम हिमालय के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो भौतिक विभाग के आगे हमारे NSS टीचर्स द्वारा वृक्ष लगाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर भी एक नन्हा सा वृक्ष लग चुका है। सर हाथ धोने के साथ साथ वृक्ष को पानी भी दे रहे हैं, ताकि वृक्ष सूखे ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि NSS स्वयं से भी बहुत ही हार्डवर्क का काम करते हैं, तो देख सकते हैं आप। तो पुनः एक बार प्राचार्य महोदय द्वारा MBBG के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया, देख सकते हैं आप। तो वृक्षारोपण के लिए NSS MBBG कॉलेज की टीम, हालांकि ये न्यूज़ आज सुबह ही ग्रुप में आई थी, तो बहुत कम बच्चे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी संख्या ठीक ठाक है, सही है। तो आज का सफ़र जगमोहन भाई और सौरभ भाई पर ही समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।